कि आज हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं कैसे एसिड और बेस नेचर को पहचानेंगे। ये आप देख रहे हैं बीकर है, ठीक है, और ये ब्लू लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर है। अब इनकी मदद से हम पता करेंगे कि कोई जो लिक्विड दिया गया है वो एसिडिक है या बेसिक। ये देखिए, इसमें सबसे पहले मैंने पानी लिया है, ठीक है। तो पानी हम जानते हैं वाटर इज़ ए न्यूट्रल थिंग, तो इसमें ना एसिडिक नेचर है ना बेसिक नेचर है, तो ये लिटमस पेपर को जब उसमें डिप करेंगे तो इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। ये देखिए, मैं इसमें डिप कर रहा हूँ, तो अगर एसिडिक होगा तो ये ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। इसी तरह अगर मैं ले लेता हूँ एक रेड लिटमस पेपर, तो अगर ये बेसिक होगा तो ये ब्लू हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कुछ भी, देख पा रहा हूँ। इसका मतलब ये न्यूट्रल है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस बीकर में मैंने एक लिक्विड मिक्स किया है, अब देखते हैं कि ये एसिडिक है कि बेसिक है। चलिए ये ब्लू वाला लिटमस पेपर इसमें डिप करते हैं। ब्लू वाला लिटमस पेपर डिप करने पर आप देख पा रहे होंगे कि इसका कलर रेड हो गया, यानी जो सोल्यूशन हमने मिक्स किया इसमें वो एसिडिक था, एसिड था। तो इस समय ये सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन है? एसिडिक सोल्यूशन। अब चलिए इसमें देखते हैं एक और सोल्यूशन मिला के, कोई बेस इसमें डालते हैं। तो हम लोग जानते हैं जब एसिड में बेस मिलाया जाता है तो एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं? साल्ट। चलिए देखते हैं। अब देखिए, इसमें जितने एक सोल्यूशन मिलाया गया है लिक्विड, तो जितना एसिड था उतना बेस के साथ मिलकर साल्ट बना लिया, ठीक है। तो ऐसे तो हम जान गए कि अब ये बेस और एसिड मिलकर साल्ट बना लिए, लेकिन ये बेसिक है कि नहीं? अगर ज़्यादा बेस मिल गया होगा तो ये बेसिक नेचर का होना चाहिए, और बेसिक नेचर क्या करता है? रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा? ब्लू। चलिए डिप करके देखते हैं। ये रेड लिटमस पेपर है, इसे डिप करके देखता हूँ। ये देखिए, ये लिटमस पेपर ब्लू हो गया, यानी अब ये सोल्यूशन बेसिक हो गया, बेस इसमें है। इस तरह से हम लिटमस पेपर का यूज करके पता लगा सकते हैं कि कोई भी दिया गया लिक्विड एसिडिक है या बेसिक है। तो हम लोग एक नया प्रैक्टिकल करेंगे, लिटमस सॉल्यूशन रेड कलर वाला हम यूज करेंगे और देखेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो क्या है। अभी इस बीकर में मैंने कुछ भी नहीं लिया है, कोई सॉल्यूशन नहीं लिया। अब मैं एक लेने जा रहा हूँ लिक्विड, अब फिर उसमें जो है लिटमस सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डिप करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक। ये देखिए, एक लिक्विड मैंने इसमें लिया है थोड़ा सा। अब इसमें जो है लिटमस सॉल्यूशन डिप करते हैं कुछ बूंदें, देखते हैं कि क्या चेंज आता है। अब देखिए, इसमें मैं कुछ बूंदें डिप कर रहा हूँ, तो ये देखिए इसका कलर कुछ चेंज हुआ, थोड़ा सा रेडिश हुआ है, ठीक है। तो लाल कलर कब हो जाएगा? क्योंकि अब लिटमस सॉल्यूशन ही रेड था, तो ये सॉल्यूशन का कलर भी रेड आया। इसका मतलब ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, एसिड या बेस? अब देखिए, लिटमस सॉल्यूशन भी रेड था और जो लिक्विड लिए तो उसमें मिक्स करने पर भी रेड ही आया, तो यानी कि ये एसिड था। एसिड में लिटमस पेपर जो सॉल्यूशन था अपना कलर चेंज नहीं किया। अब बेस में देखते हैं ज़रा दो तीन बूंदें डालकर। अब देखिए, मैंने एक बेसिक सॉल्यूशन ले लिया है, अब इसमें कुछ बूंदें डिप करके देखते हैं रेड लिटमस सॉल्यूशन की। ब्लू में रेड लिटमस सॉल्यूशन जब इसमें जाएगा बेस में, तो उसका कलर ब्लू हो जाना चाहिए, देखते हैं। देखिए, मैं कुछ बूंदें डालता हूँ, अब इसका कलर कुछ चेंज हो गया, ब्लू टाइप का बहुत हल्का हुआ है। कुछ और बूंदें डाल देते हैं, ये देखिए अब इसका सॉल्यूशन का कलर ब्लू हो गया। तो यही तो हम लोग सीखे हैं कि जब बेस में लिटमस सॉल्यूशन डिप किया जाता है रेड लिटमस, तो उसका कलर किस में टर्न हो जाता है? ब्लू में। आप देख पा रहे होंगे ब्लू कलर। तो इस तरह से लिटमस सॉल्यूशन का यूज करके भी हम पता लगा सकते हैं कि दिया गया लिक्विड एसिड है या बेस है। मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक इंडिकेटर है, लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर के बाद मिथाइल ऑरेंज, ये भी एक तरह का इंडिकेटर है जिससे हम एसिड और बेस पता कर सकते हैं। तो चलिए इसका यूज करके देखते हैं। अब मैंने इसमें कुछ सॉल्यूशन लिया है,
ठीक है, अब देखते हैं ये एसिड या बेस। आपको पता होगा जब मिथाइल ऑरेंज एसिड में मिलता है तो रेड कलर हो जाता है, और जब बेस में मिलता है तो पीला से लेके ऑरेंज टाइप का कुछ कलर देता है। तो चलिए देखते हैं मिथाइल ऑरेंज की कुछ बूंदें इसमें डालकर। ये देखिए कुछ बूंदें मैं इसमें डिप कर रहा हूँ, इसका कलर रेड हो गया, यानी कि ये जो दिया गया सॉल्यूशन था ये क्या रहा होगा, एसिड रहा होगा, ठीक है, तभी इसका कलर रेड में कन्वर्ट हुआ। अब जरा बेस के साथ देखते हैं इसका रिएक्शन, बेस में कैसा कलर देता है। अभी ये मैंने एक बेसिक सॉल्यूशन लिया बेस NaOH, अब इसमें देखते हैं मेथिल ऑरेंज के कुछ बूंदे डिप करा कर गिराते हैं, देखते हैं व्हाट विल हैपन। अब ये देखिए इसका कलर कुछ येलो से लेके ऑरेंज टाइप का हो गया, आप देख पा रहे होंगे। तो बेस के साथ मिथाइल ऑरेंज येलो कलर देता है और एसिड के साथ जो है रेड कलर देता है। इस तरह से मिथाइल ऑरेंज का यूज करके भी हम पता लगा सकते हैं कि दिया गया सॉल्यूशन एसिड है या बेस। और इंडिकेटर हम लोग यूज करके देखेंगे जिसका नाम फेनोप्थलीन है। तो फेनोप्थलीन इंडिकेटर की खासियत क्या है कि जब ये एसिड में इसकी कुछ बूंदें डाली जाती हैं तो एसिड जिस कलर का होगा उस कलर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कलरलेस रहता है, जैसा है वैसा ही। लेकिन अगर बेस में इसकी कुछ बूंदें डाल दी जाए तो कलर पिंक कलर हो जाता है बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो दोनों करके देखते हैं। ये एक सॉल्यूशन मैंने लिया है, अब ये देखिए एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें अब देखते हैं कुछ बूंदें डालकर फेनोप्थलीन की, मैंने फेनोप्थलीन ले लिया है, इसकी कुछ बूंदें इसमें डालने पर देखिए इसके कलर में कोई फर्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा हमें असर दिखा लेकिन उसके बाद ये फिर उसमें मिल गया, देखिए कोई कलर में चेंज नहीं आया, कलर जैसा वाटर का कलर था वैसा ही है, ठीक। लेकिन अगर बेसिक सॉल्यूशन एक लें, अब देखिए एक बेसिक सॉल्यूशन मैंने ले लिया है, ठीक है, अब ये भी कलरलेस ही दिख रहा है एक तरह से, वाटर का ही कलर, लेकिन इसमें अब फेनोप्थलीन की कुछ बूंदें मैं डालता हूँ, आप देखिए इसका कलर कैसा टर्न हो जाता है, देखिए ये पिंक कलर, बहुत ज़्यादा फेनोप्थलीन मैंने ले लिया इसी वजह से थोड़ा सा डार्क पिंक हो गया, लेकिन इसका कलर आप देख पा रहे होंगे चेंज हो गया। तो इस तरह से हम देखें कि फेनोप्थलीन इंडिकेटर को अगर हम यूज करेंगे तो एसिड में डालेंगे तो क्या होगा, कलरलेस रहेगा, कोई चेंज नहीं, लेकिन बेस में जब उसे मिक्स करते हैं तो उसका कलर टर्न हो जाता है पिंक कलर में। हमें हम लोग साल्ट के बारे में पहचानेंगे कि दिया गया साल्ट न्यूट्रल है कि एसिडिक है कि बेसिक है, कैसा साल्ट है इसका पता करेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं स्पून टाइप स्ट्रक्चर, दैट इज़ नोन एज स्पैचुला, ठीक है, इसी से हम साल्ट निकाल कर बीकर में मिक्स करते हैं। ये साल्ट देखिए ये सोडियम क्लोराइड है जिसे हम नॉर्मली नमक कहते हैं, जो कि न्यूट्रल साल्ट है। ये अमोनियम क्लोराइड है, इसे एसिडिक साल्ट कहते हैं, और ये सोडियम कार्बोनेट है जिसे बेसिक साल्ट कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इनको थोड़ा थोड़ा स्पैचुला से लेकर मिक्स करेंगे वाटर में, और फिर जो है लिटमस पेपर की सहायता से हम लोग पता करेंगे कि एसिडिक नेचर का है या नहीं। तो आपको पता है कि अगर न्यूट्रल होगा सॉल्यूशन तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या होगा कि लिटमस पेपर का कलर ही नहीं चेंज होगा, और अगर एसिडिक होगा साल्ट तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर बेसिक नेचर का सॉल्यूशन बनेगा तो रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ये देखिए थोड़ा सा लिक्विड लेने के बाद 1 स्पैचुला मैं इसमें मिला दिया, हम जो है सोडियम क्लोराइड जिसे हम नमक कहते हैं, ठीक है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब इसमें भाई नियम से तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन होना चाहिए, एसिड और बेस बराबर मात्रा में है तभी तो मिलकर नमक बनाए। अब क्या होगा कि इसमें हम देखते हैं लिटमस पेपर डिप करके दोनों ब्लू और रेड, अगर ये एसिडिक होगा तो ब्लू वाला रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेसिक नेचर होगा तो रेड वाला ब्लू में, और अगर न्यूट्रल होगा तो कलर में कोई चेंज नहीं आएगा।
सबसे पहले ब्लू लिटमस पेपर को डिप कर रहा हूँ। देखिए ब्लू लिटमस पेपर के कलर में कोई चेंज नहीं आया। अब रेड लिटमस पेपर को देखते हैं, रेड लिटमस पेपर को डिप करके देखते हैं तो भी इसके कलर में कोई चेंज नहीं आया, रेड का रेड ही है। इसका मतलब ये जो सोल्यूशन था ये न्यूट्रल सोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैंने वाटर लिया है और इसमें 1 स्पैचुला एसडिक साल्ट मिक्स करके देखते हैं कि वास्तव में एसडिक है या नहीं। देखिए अमोनियम क्लोराइड 1 स्पैचुला इसमें मिक्स कर दिया हमने, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इस सोल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर मैं डिप कर रहा हूँ तो चूंकि ये एसडिक सोल्यूशन है तो इसे रेड में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, तो देखते हैं कि कुछ होता है या नहीं, और ज़्यादा हमको मिलाना पड़ेगा। देखिए ब्लू रेड में कन्वर्ट नहीं हुआ, इसका मतलब कि साल्ट अभी और हमें मिक्स करना पड़ेगा और 1-2 स्पैचुला डालना पड़ेगा क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा हो गई है। देखते हैं करके, ये मैंने और साल्ट मिक्स कर दिया। अब देखते हैं कि ये साल्ट एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। अभी भी नहीं कुछ हुआ, इसका मतलब हम लोगों ने वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा ले ली है। और जो है साल्ट मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। अब देखते हैं, ये देखिए अब ये रेड कलर में इसका कलर चेंज हो गया, यानी कि दिया गया साल्ट एसिडिक था, ठीक है। तो जो है अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक साल्ट। तो इस तरह से हम साल्ट को भी लिटमस पेपर की मदद से पहचान सकते हैं। अब एक और आ गया, बीकर में हमने थोड़ा सा वाटर लिया है। इस वाटर में अब मैं ये साल्ट अमोनियम अरे सोडियम कार्बोनेट 1 स्पैचुला मिक्स करने जा रहा हूँ। ये देखिए और 1 स्पैचुला ले ले रहे हैं भाई, ताकि बेसिक सोल्यूशन तैयार हो जाए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया गया। अब देखते हैं कि ब्लू लिटमस पेपर बेसिक नेचर होता है तो लिटमस पेपर किस कलर में कन्वर्ट होगा, रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए रेड लिटमस पेपर लेते हैं। ये मैंने रेड लिटमस पेपर ले लिया है, अब इसे डीप करके देखते हैं। ये देखिए ब्लू में कन्वर्ट हो गया। तो ये बेसिक साल्ट है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इस तरह से हम लिटमस पेपर यूज करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा साल्ट बेसिक है, कौन सा एसिडिक है। और भी तरीके हैं, आपको अभी हमने पिछले वीडियो में दिखाया ही, पिछले प्रैक्टिकल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।